जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं दोस्तों, PCMC के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ की काफ़ी वैकेंसी निकल चुकी हैं दोस्तों। ये पहले बता दें, ये अर्जेंट वैकेंसीज हैं, अति शीघ्र इनके इंटरव्यू आयोजित हो रहे हैं। तो सीधा इंटरव्यू द्वारा चयन होने वाली ये वैकेंसीज हैं दोस्तों। पदों की संख्या बात करें, 266 इसमें पदों की संख्या है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं दोस्तों। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है और आपको कंप्लीट जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा दी जाएगी दोस्तों। इस वैकेंसी के अंदर स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन के अलावा वार्ड बॉय के अलावा काफ़ी वैकेंसीज है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना आपका समय गवाए सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर और आप सही देख सकते हैं कि PCMCIndia.gov.in के द्वारा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिनांक 26/4/2021 को इसका निकाल दिया गया दोस्तों। सीधा इंटरव्यू के द्वारा इसके अंदर यहाँ पे चयन होना है। इसके लिए क्या क्या पोस्ट हैं, क्यों उसके अंदर कितनी पोस्ट वैकेंट है, कंप्लीट जानकारी आप आगे देख लीजिए दोस्तों। बात करें इसके अंदर सबसे पहले हम स्टाफ नर्स की, तो स्टाफ नर्स की इसके अंदर 100 पोस्ट वैकेंट हैं दोस्तों। इसके अलावा जिन्होंने अगर GNM और BSc नर्सिंग कर रखी है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा इसके अंदर फार्मासिस्ट की 12 वैकेंसीज हैं, एक्सरे टेक्नीशियन की 12 वैकेंसीज हैं, वार्ड बॉय की दोस्तों इसके अंदर 40 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा वार्ड बॉय आया है उसकी इसमें 40 वैकेंसीज हैं दोस्तों। वार्ड बॉय के लिए इसमें क्वालिफिकेशन दोस्तों केवल इसमें माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो आवेदन कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए इसके अंदर 12 वैकेंसीज हैं, 23,300 इसमें पहले सैलरी मिल जाएगी दोस्तों। इन सभी पोस्ट के लिए इंटरव्यू जो है दोस्तों 28 और 29 अप्रैल को अर्जेंट आयोजित किए जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट की क्वालिफिकेशन योग्यता रखते हैं दोस्तों, अप्लाई इस इंटरव्यू में ज़रूर आप पार्टिसिपेट कीजिए दोस्तों। बात बता दें कि स्टाफ नर्स के अंदर जो आपको रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, वो महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से होना ही अनिवार्य में अनिवार्य है। अन्य स्टेट से अगर आपने नर्सिंग कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे और इसकी जॉब लोकेशन भी दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर ही रहने वाली है दोस्तों। यदि एक नई वीडियो की जानकारी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके नोटिफिकेशन कंप्लीट रीड कर लीजिए। उसके बाद ही आपको इसके लिए अपेयर होना है दोस्तों। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।